नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे FME डॉक्यूमेंट क्या होता है, FME कितने टाइप्स के होते हैं, सीवेरिटी डिटेक्शन अक्रेंस RPN नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं FME डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, आपके सामने टर्म है FMEA, इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। F F का होता है फेलियर, M से मतलब हुआ मोड, E से इफेक्ट, A से एनालिसिस। क्या हुआ इसका मतलब, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो दोस्तों FME की इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या है ये FME है। तो दोस्तों, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सिस्टम के फेलियर होने के क्या क्या पॉसिबल पॉइंट्स होते हैं और उनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी स्टडी करना FME कहलाता है। दोबारा सुनते हैं, डिजाइन प्रोसेस और सिस्टम के फेलियर होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, किस किस तरह से वो फेल हो सकता है, इनको स्टडी करना और उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इन सब की स्टडी करना ही FME कहलाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, कि FME की शुरुआत कहां से हुई थी। FME की शुरुआत हुई थी नासा से। नासा ने अपना स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने FME को यूज किया था। नासा का यह पर्पस था कि स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले ही यह पता लगा लिया जाए कि हमारे प्रोग्राम किस तरह से फेल हो सकता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं फेल होने के, उन सबको पहले से ही एनालाइज कर लिया और उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इन सबको समझते उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि FME के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। इसका FME का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रिवेंट द रीअकरेंस, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम दोबारा से जनरेट ना हो, रीअकरेंस को रोकना ही ऑब्जेक्टिव है FME का। अब बात करते हैं कि FME कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, FME तीन टाइप्स के होते हैं, DFME, डी से मतलब हुआ डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। अगला होता है PFMEA, ये हुआ प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। अगला है SFMEA, सिस्टम फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। डी से डिजाइन, पी से प्रोसेस, एस से सिस्टम। अब डिजाइन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि लोड कैपेसिटी की प्रॉब्लम किसी मटेरियल में, या स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम, ये हो सकता है डिजाइन में। अब बात करते हैं प्रोसेस की, प्रोसेस के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आईडी में प्रॉब्लम आना, ओडी में प्रॉब्लम आना, तो ये हो गया PFME से रिलेटेड। एस का मतलब था सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये था आपका टाइप्स। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, जिनका FME डॉक्यूमेंट में यूज होता है। सबसे पहले है फेलियर मोड। तो दोस्तों, मोड का टाइप मतलब होता है कि टाइप या प्रकार, फेलियर होने के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, किसी प्रोसेस के डिजाइन के फेल होने के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, उसको बोलते हैं मोड। अब बात करते हैं फेलियर इफेक्ट, जो आपके फेलियर के चांसेस हैं, या आपके पोटेंशियल फेलियर जो आपके पॉइंट्स हैं, उनसे
क्या इफेक्ट आपका पड़ेगा कस्टमर पे या प्रोसेस पे, तो उसको बोलते हैं फेलियर इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ना। अब बात करते हैं कोज की। अब ये कोज का मतलब होता है कारण, कारण क्यों हमारा प्रॉब्लम क्यों जनरेट हुआ, इसके पीछे हम कोज को निकालते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है हमारा प्रॉब्लम आने का। अब आगे हमारी कुछ डेफिनेशंस यूज होती हैं, और देखते हैं हम, जैसे कि सिवेरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन, उनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिवेरिटी की। सिवेरिटी क्या होता है? सिवेरिटी होता है सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम मतलब कि प्रॉब्लम हमारी कितनी सीरियस है, मतलब कितनी घातक हो सकती है, हजारडियस बोल सकते हैं उसको। अब सीवेरिटी में क्या होता है कि हम इसमें 1 to 10 रैंक करते हैं, नंबरिंग देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 10 तक हम नंबर देते हैं। तो इसमें हम 10 नंबर उसको देते हैं जो प्रॉब्लम हमारी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा हजारडियस हो सकती है, और इस तरह की प्रॉब्लम जो विदाउट वार्निंग के आती है कि जब कोई पार्ट फेल हो जाए और जिसका कारण हो डेथ, विदाउट इंफॉर्मेशन एंड कॉजेज डेथ, इस तरह की प्रॉब्लम जो हमारे पार्ट में आ जाए और उससे क्या डेथ होने के चांस ज्यादा हो, तो उसको देते हैं हम 10 नंबर। ऐसे ही जैसे हम कम होते चले जाएंगे नंबर, तो उस तरह से सीरियसनेस कम होती चली जाएगी। अब 1 नंबर में हम क्या दे सकते हैं, जैसे कि जिससे हमारी कोई, जैसे कोई लुक का या फिर अपीयरेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर से दे सकते हैं। तो अब जैसे आप एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो एरोप्लेन के पार्ट्स बनाती है, मान लीजिए इंजन वगैरह बनाती है, सीट बनाती है। तो इस तरह से आपको बताता हूं कि मान लीजिए इंजन में कोई एक लुक की प्रॉब्लम आ रही है और एक प्रॉब्लम आ रही है इंजन की फंक्शनिंग से रिलेटेड, एक लुक से प्रॉब्लम आ रही है और एक सीट की प्रॉब्लम आ रही है, और आपकी एक कंपनी और है जो ब्रेक बनाती है, ब्रेक जो मोटरसाइकिल्स में यूज होते हैं, तो वो ब्रेक बनाती है। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसके नंबरिंग किस तरह से दी जाती है। अब ये आपके 4 कंडीशन है। जो कंपनी ब्रेक बना रही है, तो ब्रेक आपको पता है कि अगर ब्रेक फेल हो गया तो उससे डेथ हो सकती है, तो इसकी सीरियसनेस ज्यादा है इसलिए, और ये विदाउट वार्निंग होता है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन में पता नहीं चलती, तो इसलिए इसको हम नंबर देंगे 10। अब कोई कंपनी सीट बना रही है, तो सीट, जैसे सीट में कोई अपीयरेंस की प्रॉब्लम है, लुक की प्रॉब्लम है, तो वो इतनी सीरियस नहीं है, तो उसको हम 1 नंबर दे सकते हैं, 2 नंबर, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, तो इसको हम 1, 2, 3 ऐसे नंबर दे सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई इंजन की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, अगर फंक्शन में प्रॉब्लम हो गया तो उससे क्या होता है, प्लेन क्रैश कर सकता है, खराब हो सकता है, तो उसका भी रिजल्ट होता है डेथ। लेकिन मान लीजिए इंजन कोई आपको इंडिकेट कर रहा है, तो जो आपको मैंने बताया कि जो इंडिकेट करता है उसको हम 9 नंबर देते हैं, जिसका कारण तो डेथ हो लेकिन वो इन्फॉर्म कर रहा हो पार्ट फेल होने से पहले, ताकि उसका कुछ बचाव हो सके या इस तरह से, तो इसलिए हम उसको नंबर दे सकते हैं 9। ये लुकिंग की प्रॉब्लम है, लुकिंग में तो 1, 2, 3 नंबर दिया जा सकता है। ये था सीवेरिटी की, प्रॉब्लम की सीरियसनेस कितनी होती है, इसको 1 to 10 रेट करते हैं। अब बात करते हैं अकरेंस की। अकरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज के होने की संभावना, अकरेंस। किसी प्रॉब्लम के आने के चांस कितने हो सकते हैं, कितने ज्यादा हैं, उसको बोलते हैं अकरेंस। इसमें भी हम 1 to 10 रेट करते हैं। तो जो प्रॉब्लम ज्यादा आने के चांस रहेंगे उनको हम नंबर देंगे 10, और जितने प्रॉब्लम आने के चांस कम रहेंगे उसको देंगे कम से कम नंबर, वो डिपेंड करता है। तो
इसकी ये हो गया अकरेंस। अब बात करते हैं डिटेक्शन की। डिटेक्शन, डिटेक्शन का मतलब होता है जांच लगाना या पता चल जाना। तो किसी प्रॉब्लम को जितनी आसानी से पकड़ा जा सकता है उसको नंबर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा जैसे 10 नंबर तक दे सकते हैं। इसमें भी रेटिंग की जाती है 1 to 10। तो प्रॉब्लम को जितनी आसानी से पकड़ा जा पाएगा उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिया जाएगा, जितना हाई रेट किया जाएगा, और जितना मुश्किल है उसको पकड़ना उसको उतना ही कम नंबर दिया जाएगा। अब जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूं। मान लीजिए ये एक मार्कर है और ये पेन है। तो अब मैं कहूं कि मान लीजिए इंक की प्रॉब्लम आ रही है, शाही का मुझे पता करना है कि कौन सी खत्म हो गई है। तो मेरे लिए किसमें डिटेक्शन आसान है, मेरे लिए आसान है इस पेन का पता पाना, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और इसकी अपीयरेंस से मुझे पता चल जाएगा कि ये खत्म हो चुका है। तो इसलिए इसको मैं रेट करूंगा 10 और इसको मैं इसे कंपैरिजन में कम ही रेट करूंगा, जैसे 6-7 नंबर इसको दे सकते हैं। तो ये हो गया डिटेक्शन। अब बात करते हैं आरपीएन नंबर की। आरपीएन नंबर क्या होता है? आरपीएन नंबर, आरपीएन की फुल फॉर्म होती है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। रिस्क प्रायोरिटी नंबर, रिस्क प्रायोरिटी नंबर ही हमारा एफएमईए निकालने का पर्पस है। रिस्क प्रायोरिटी नंबर क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है किस किस का? सीवेरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन, इन सब का प्रोडक्ट ही कहलाता है आरपीएन नंबर। अब क्या करते हैं, अब कोई पूछ ले कि आरपीएन नंबर हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आरपीएन नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है, ये निकालना है। तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको दोस्तों कि आरपीएन की मैक्सिमम वैल्यू 1000 हो सकती है और मिनिमम हो सकती है 1। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा हजारडीज वो सबसे ज्यादा है, तो उसको हम दे सकते हैं 10 नंबर। अकरेंस के चांसेस ज्यादा हैं उसको 10 दे सकते हैं, और डिटेक्शन उसको पकड़ना भी उतना ही आसान है तो उसको भी हम दे देंगे 10। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 1000। अब मिनिमम वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो उसको दे दिया 1। उसके अकरेंस होने के चांसेस बहुत ही कम है, उसको भी दे दिया 1, और उसकी सीरियसनेस भी इतनी नहीं है तो उसको हम दे दिया 1। तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आरपीएन नंबर। अब बात करते हैं एफएमई फॉर्मेट की। एक इसमें हम एग्जांपल लेंगे कि एक प्रॉब्लम लेते हैं उसमें, उससे समझते हैं कि इसको डॉक्यूमेंट को बनाते कैसे हैं। दोस्तों अब जानते हैं एफएमई फॉर्मेट के बारे में कि एफएमई फॉर्मेट कैसे बनता है। तो दोस्तों एफएमई फॉर्मेट को समझने के लिए हमें एक प्रॉब्लम की जरूरत पड़ेगी कि मान लीजिए एक प्रॉब्लम आ रही है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंजन बनाती है। तो हमारा जो इंजन है वो एज पर ड्राइंग नहीं बन रहा है, हमारा ड्राइंग के हिसाब से नहीं बन रहा है, और ये प्रॉब्लम आ रही है कास्टिंग में। तो दोस्तों ये हमारा एक फॉर्मेट होता है एफएमईए का, जिसमें लगभग 12-13 पॉइंट होते हैं। तो समझते हैं आइए। सबसे पहले प्रोसेस स्टेप, कि प्रोसेस हमारी किस चीज से रिलेटेड है, ये हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये कास्टिंग से रिलेटेड है, तो कास्टिंग लिख दिया है यहाँ पे मैंने। आगे फंक्शन, फंक्शन मतलब कि हमें करना क्या है, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इंजन एज पर ड्राइंग आ जाए, तो प्रोड्यूस ए इंजन एज पर ड्राइंग, यहाँ पे लिख दिया मैंने फंक्शन में। आगे है पोटेंशियल फेलियर मोड, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारी क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ इंजन, इंजन का बेंड हो जाना या डिफॉर्म हो जाना, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा फेलियर है। आगे देखते हैं पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट। अब इसका, इस फेलियर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इसमें, वो लिखते हैं। तो जैसे डिफॉर्म होने से क्या होगा, स्क्रैप बढ़ जाएगा,
हैं, असेंबली में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये उसमें कई तरह की प्रॉब्लम और आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए दो ही प्रॉब्लम ली है कि डिफॉर्म होने से स्क्रैप बढ़ जाएगा और असेंबली में प्रॉब्लम आएगी। तो आगे इसके हिसाब से सीवर्टी दी गई है कि कितनी सीरियस है ये प्रॉब्लम। इसको मैंने कुछ भी नंबर दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए 4 नंबर दिया है और असेंबली प्रॉब्लम को 8 नंबर दिया है। आगे है फेलियर कॉजेज, इस प्रॉब्लम के जो फेलियर हो रहा है इसका कारण क्या है, क्यों आ रहा है ये प्रॉब्लम, उसका कारण। तो ये प्रॉब्लम मान लीजिए आ रही थी डाई के डैमेज होने की वजह से, एक तो ये हो गया। अगला है टेम्परेचर की वजह से भी आ सकती है, तो ये दो अलग अलग भागों में बांट दिया यहाँ पे मैंने। आगे है अक्रेंस, इस प्रॉब्लम के आने के कितने चांसेस हैं, तो उसके हिसाब से मैंने नंबर दिए, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे दे दिया 3। 2 और 3 आपको पता ही है इसके आने की चांस बहुत कम है, ये शो कर रहा है यहाँ पे। और ये सीवरिटी में जैसे मैंने आपको बताया था, ये 8 नंबर जो दिया है ये काफी सीरियसनेस को बताता है, काफी हजार्डियस हो सकता है ये, इसलिए यहाँ पे 8 नंबर दिया गया है। तो अक्रेंस के बाद हम चलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, अब तक इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम क्या एक्शन ले रहे थे, हम क्या कर रहे थे, टीपीएम कर रहे थे, टीपीएम टोटल प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब देखते हैं आगे है डिटेक्शन एक्शन, इस प्रॉब्लम को पता लगाने के लिए हम अभी तक किस तरह का एक्शन ले रहे थे, किस तरह से पता लगाते थे। हम क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन, सबसे पहला पीस चेक करते थे, या और कोई भी इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम को निकालने के लिए हम क्या करते थे, विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन करते थे। तो इस तरह में दे दिया डिटेक्शन एक्शन में। अब अगला है डिटेक्शन, इसको पकड़ना कितना आसान है, तो इसमें नंबर दिया गया 2, ये 5। उसके बाद है आरपीएन, आरपीएन आपको पता है कैसे निकालते हैं, आरपीएन क्या होता है, आरपीएन SOD, सीवेरिटी अकरेंस और डिटेक्शन का प्रोडक्ट ही आरपीएन होता है। तो यहां से दिखा ये देखते हैं, सिवेरिटी 4 थी इसका रेटिंग, अकरेंस की 2, डिटेक्शन की 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 4 ये हो जाएगा 16। और इसी तरह से इस प्रॉब्लम की हो जाएगी आरपीएन 8 गुणा 3 गुणा 5, ये हो जाएगा 120। तो ये आपने निकाल लिया आरपीएन नंबर। इसके बाद आपका शुरू होता है रिकमेंडेड एक्शन, कि इस तरह की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप क्या एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्शन, उसके बाद आगे ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि एक्शन लेने के बाद हम वापिस से सीवेरिटी अक्रेंस डिटेक्शन निकालते हैं, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी डिटेक्शन, किसकी ड्यूटीज होगी, ये सब इसमें लिखा जाता है। तो ये होता है हमारा FMEA फॉर्मेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।